नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम पहुंचे हैं भादुरगढ़ और दिल्ली से सटे हुए गांव झाड़ोदा कला में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, यहां पे भी आजकल जो मुर्रा ने जो एक अच्छी खासी शोहरत हासिल करते हुए, नीरज भाई है यहाँ पे युवा पशुपालक, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डागर मुर्रा फार्म के नाम से इनका एक अच्छा खासा डेयरी फार्म है ये, और भाइयों का जो है दूध का काम है। तो एक अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन इनके यहाँ पे देखने को मिला, इसकी डिटेल्स मैं आप नीरज भाई से जानता हूँ। तो नमस्कार नीरज भाई। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? ठीक ठाक। एक बार क्या मिल्किंग दिखाएंगे इसकी? हाँ जी, मिल्किंग दिखाएंगे। डिटेल्स आप एक बार बता दीजिए। डिटेल्स भाई साहब, इसमें ये फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर, और ये लगा लो 10-11 दिन की ब्याई हुई है। नीचे काफ क्या है? नीचे मेल काफ है। तो सेल के लिए उपलब्ध है? हाँ जी, सेल के लिए उपलब्ध है। रेट बताना चाहेंगे? रेट मौके का करें भाई। रेट मौके का जी। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइमर झोटी भाई ने बताई, नीचे मेल काफ मौके पे मौजूद है और 10 से 11 दिन की ब्याई हुई। मैं थोड़ा सा इसको कवर करके दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव की, और छोटे से छोटा रिंग सींग, एक प्योर मुर्रा के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इनके इस पशुधन में है। पीछे टेल से लेके अगर आगे तक मैं इसको कवर करता हूं तो कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। ये आप देख सकते हैं चौड़े पुट्ठे का एक अच्छा खासा मुर्रा पशुधन। बात करूं अगर मैं आर्डर की तो आर्डर आप यहां पे देख सकते हैं, एक भारी भरकम लेवटी का मुर्रा पशुधन नीरज भाई के फार्म से। तो ये आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी लेवटी जोशीला आर्डर जो है यहाँ पे देखने को मिला, वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ। तो भाई बता रहे हैं मौके पे 17-18 किलो दूध जो है तैयार है, और इसकी मिल्किंग दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे।
तो ये आप देख सकते हैं लाइव मिल्किंग थी, और ये दो बाल्टियों में दूध आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे को छोड़ दिया गया है। डिटेल्स मैं जानता हूँ नीरज भाई से, तो नीरज भाई आ जाओ एक बार, ये दूध तोल के दिखाएंगे। भाई साहब ये टाइम से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो एक दो किलो दूध ज्यादा ही बैठेगा। अच्छा, इसको देखा वो टाइम टू टाइम देखे, 18 किलो दूध तैयार है इसमें। 18 किलो दूध तैयार है टाइम टू टाइम देखे जी। तो मैं एक बार, भाई ने बताया कि अभी थोड़ा सा समय ज्यादा है क्योंकि पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ट्रैफिक वगैरह था। तो बता रहे हैं जो भी इच्छुक बायर लेना चाहे 2 से 3 समय का जो दूध है वो अपना अच्छे से चेक करके ले सकते हैं। तो नीरज भाई एक बार अपना संपर्क सूत्र जरूर बताएं ताकि जो हमारे इच्छुक बायर्स हैं वो आप तक पहुंच सके। 95 40 85 82 13 62 13 62 ये नीरज भाई के कॉन्टैक्ट नंबर से एक युवा पशुपालक और अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन जितनी बार भी इनके फार्म पे आए हमें देखने को मिला। तो आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरे नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।